कल की कक्षा के बाद आज हम आगे अध्ययन करेंगे समावेशी शिक्षा का। तो आपको बताया मैंने अभी रिवाइज करवाया कि कौन कौन से बालक किसमें आएंगे, सामान्य और विशिष्ट। अब मैंने आपको कैटेगरीज जो बताई थी उसके अनुसार अगर हमें क्या कहा जाए कि पढ़ाएंगे कैसे, सबसे महत्वपूर्ण टास्क यही है। जान तो गए आप, जान रहे कि ये बालक विशिष्ट है, ये सामान्य है। अब इनको बैठाना ये कक्षा में, यहाँ तक क्या है समावेशी नहीं, अभी और अभी तो आपकी जंग शुरू हुई। अब इनको ऐसा पढ़ाना है कि जो विशिष्ट हो उसकी विशिष्टता के साथ ग्रोथ करे, जो सामान्य है उसका ग्रोथ भी ना बाधित हो। जैसे आप पढ़ा रहे हैं मन और सामान्य, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सी टेक्निक आपकी यूज की जाती है, ठीक है। मंद को पढ़ा रहे और सामान्य को पढ़ा रहे। अगर आप स्पीड स्लो करेंगे, मतलब आप ऐसे स्पीड से पढ़ा रहे हैं जो बहुत स्लो है कि मंद वाला समझ जाए, आप बताइए ये तो ज्यादा ग्रोथ कर सकता है ना, कर सकता है ना। आप पढ़ा रहे हैं यहाँ और स्पीड आपकी बहुत स्लो है, क्यों? क्योंकि यहाँ मंद बालक बैठा हुआ, तो ये इसका ग्रोथ आप क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका जितना डेवलपमेंट हो सकता है वो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए सामान्य बैठा है और प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली क्या है, विशिष्ट है ना। अब इसके हिसाब से पढ़ाएंगे आप, देखिए कैसे टास्क है। अब यहाँ कितना महत्वपूर्ण टास्क आपका, अब सामान्य को पढ़ा रहे हैं प्रतिभाशाली के साथ, क्या करेंगे सामान्य हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है एनटी से क्या कहती है, ज्यादातर जितने आपके डाटा होते हैं वो मिड में होते हैं, मीन मीडियन मोड, यहाँ पे सामान्य सबसे ज्यादा होते हैं, कुछ आपके कम और कुछ ज्यादा, ये चीज आपको पता हो। ये इसको कहते हैं एनपीसी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे सामान्य हैं, तो आप किसके साथ पढ़ाएंगे सामान्य। अब देखिए ये तो पढ़ के खली आ गया, आपने बताया दो, क्योंकि यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रही है, दो और दो चार, तो अभी आप एक अंक का ही बता रहे हैं, नौ और आठ, सात और नौ, है ना। और वो बालक जो है लगा खलिया जा रहा है, एकदम डिस्टर्बेंस कर रहा है, क्या उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इतना इजी पढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं कि आप इतना सरल तरीके से पढ़ा रही हैं, जैसे प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो आप बताइए क्या इसकी ग्रोथ आप नहीं रोक रहे हैं, रोक रहे हैं ना। तो आप ऐसे कौन सी प्रक्रियाएं करेंगे कि आप समान रूप से सभी बालकों के लिए एक ऐसा प्रक्रम तैयार करें कि सबका सर्वांगीण विकास हो। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है आपका जो एक टर्म है, निदान और उपचार। पहले इसको समझ लेंगे फिर आगे चलेंगे। आपने सुना होगा निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षा। अब यहाँ निदान और उपचार, इसी में बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या क्या है, दोनों को लोग कहते हैं एक है, कोई कहते हैं इससे ही समस्या समाधान होता है, कोई कहते हैं इससे हम खोज करते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट से कितना है। जैसे आप कहते हैं निदान केंद्र, ब्लड टेस्ट आप कराने जाते तो क्या है निदान केंद्र, ब्लड आपने सैंपल दिया वो क्या करता है, अच्छा बताइए सोचिए, आपने सैंपल दिया तो बताएगा हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर कितना है, आपका प्लेटलेट कितना है, बताता है ना। क्या उसके बताने से आप ठीक हो जाते हैं, अर्थात जो समस्या है उसकी पहचान समस्या की पहचान करना किसका कार्य होता है, निदान। कौन सी बालक में कौन सी विशिष्टता है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक कैसे आप उसको पढ़ाएंगे। आपने पढ़ा होगा जब समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, पहला सिद्धांत इसको क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। आप ये मत समझिए कि कोई विशिष्ट समान टीचर के लिए, आप ये समझिए कि वो इंडिविजुअल क्या है, डिफरेंट है, उनके अंदर व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। क्योंकि आप जानते हैं सामान्य ही कक्षा हो वहां भी दो बालक एक प्रकार से नहीं सीख सकते, सबकी अपनी क्या होंगी विशिष्टताएं होंगी, सबका अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी विभिन्नताएं होंगी। उन्हीं विभिन्नताओं को जांचने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस समस्या को पहचानना पड़ेगा या उनकी विभिन्नताओं को पहचानना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा टेस्ट करेंगे जो डायग्नोस करे कि बालक की कौन सी प्रकार की विशेषता है। जैसे जो शारीरिक विशेषता है वो आप देख के बता सकते हैं या उससे जो उसके रिस्पॉन्स मिल रहे बता सकते हैं।
जैसे बार बार बालक आप कह रहे हैं मैंने लिख लिया तो बार बार एक पीछे बालक बैठा कह रहे हैं मैम नहीं लिख पाए, रुक जाइए। ठीक, नॉर्मल देखिए इसको, बहुत आज लास्ट इसकी क्लास है, लेकिन इसके बाद आपको शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर यहाँ आप लिख रहे हैं और पीछे का बालक बार बार कह रहा है कि नहीं मैम रुक जाइए, सब कह हाँ हाँ आगे बताइए, और वो बोल रहा है बार बार रुक जाइए, तो आप कहेंगे बहुत स्लो लिखता है, कहेंगे ना। टीचर यहाँ खड़ा होगा तो यही कहेगा, क्या पता उसको वहां से देखने में प्रॉब्लम है, क्या पता उसकी जो आई साइट है वो क्या है, विशिष्टता की कैटेगरी में एकदम नहीं, मैंने क्या बता आपको आंशिक और पूर्ण। अब आंशिक जो आपकी 6 और 18 से शुरू हो जाती है, ये आपको ये देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे नहीं सबका आएंगे बच्चा आइए आपका आई टेस्ट करें, यहाँ नहीं कर सकते। बताइए आप हर बालक कक्षा में एंट्री करेगा पहले देखो कितना है तुम्हारा पावर, ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी बच्चे का पावर बढ़ना शुरू हो गया और आप नहीं बता पा रहे उसको बार बार पीछे बैठा रहे तो ऐसी समस्या आएंगी कि वो देखने में लिखने में कोई ब्लैक बोर्ड का चित्र बनाने में समझ नहीं पाएगा क्या लिख है ना। तो आप वहां क्या करेंगे पहचान सकते आप उसको आगे बैठाइए। ठीक, आप दिख रहा है समझ रहे हैं, फिर अन्य आप उसको इंस्ट्रूमेंट देखिए, देखिए यहाँ से दिख रहा है, अब दिख रहा है छोटा लिखिए बड़ा लिखिए। अब इसी में आपको पढ़ाई में क्या करना है उसकी समस्या का पहचान कर लेना है। तो यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है समावेशी शिक्षा में क्या, समस्या को पहचानना, विशिष्टता को पहचानना, किसके द्वारा, निदानात्मक परीक्षण। अब जो आपका दूसरा टर्म है उपचार, अच्छा आप ब्लड टेस्ट करा लिया और उपचार कौन करता है, डॉक्टर करता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ कौन है डॉक्टर, शिक्षक है, तो शिक्षक क्या करेगा उपचार, और इसको एक शिक्षा उपचारात्मक शिक्षा आपने मैथ टीचिंग में देखा होगा सिलेबस में और भी कई जगह सिलेबस में आपको ये चीज मिली होगी। अब यहाँ जानिए जिस समस्या का हमने हमने निदान किया या जिसका पहचान किया उसी का उपचार करना उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे कोई ऐसा बालक है जिसकी मैथ बहुत कमजोर है ना, अक्सर मैथ का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि बालकों को प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो मैथ अगर इतना कमजोर है और आपके बाद जो समावेशी कक्षा है उसमें मंद भी रहेंगे क्या, सिर्फ नहीं कि सामान्य विशिष्ट बैठाएंगे, तो विशिष्ट में तो कई आ गए ना, ऐसा नहीं ना कि बहुत मंद बालक है उसको नहीं कहेंगे तुम दूसरे सेक्शन सी। पहले ऐसे सेक्शन डिवाइड होता था, पता होगा आपको जो सेक्शन डिवाइड होता था, कई लोग कई ऐसी मेंटेलिटी रखते थे सेक्शन ए में सबसे तेज फिर उससे कम फिर उससे कम, क्योंकि ऐसा नहीं था आपका समूह क्या बनाते थे कि हाँ आपके पास स्टूडेंट ज्यादा है तो आप उनकी विभिन्नताओं के आधार पर कैटेगरी करते थे। और यहाँ क्या कर दिया था सबसे तेज ए वाले फिर बी वाले फिर सी वाले, तो यहाँ आपको क्या करना है कुछ नहीं इसी कक्षा में सब बैठे। ठीक, आप क्या करेंगे मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही तो बार बार आप बता रहे हैं नहीं समझ पा रहे, तो आप बाधित किसका कर रहे हैं, सामान्य का भी कर रहे हैं और प्रतिभाशाली का तो बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं। तो आप उसको उपचारात्मक शिक्षण देंगे, जैसे कक्षाएं ओवर हो जाएंगी क्लासेस खत्म हो जाएगी, जिसको आपने सुना होगा ट्यूटोरियल, नाम सुना है कोचिंग के नाम में ऐसे ट्यूटोरियल लिख देते हैं, कोचिंग अलग होती है और ट्यूटोरियल अलग होता है, ये एक शिक्षण विधि। आप सुनिए, जैसे ट्यूटोरियल आपका जो टर्म होता है इसमें एक छोटा समूह होता है और एक प्रशिक्षित या ट्रेन या विशेषज्ञ टीचर होना चाहिए उस समस्या को जिसमें जिसका इसमें समाधान किया जाता है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जिसके लिए हम स्पेशल उसको क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। तो आप यह ट्यूटोरियल का निर्माण करेंगे, कक्षाएं खत्म हो गई तो आप क्या करेंगे स्पेशल क्लासेस, जैसे आपने सुना होगा है ना, किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं बाहर से स्पेशल लेक्चर गेस्ट लेक्चर, उस प्रकार से आप क्या करेंगे छोटा समूह आपका रहेगा, कोई विशिष्ट प्रॉब्लम होगी जैसे मान लीजिए मैथ मैथ ही में प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ का स्पेशल रहेगा, और जो बालक वहां पर रुक जा रहे हैं कक्षा में नहीं समझ पा रहे उनको आप पढ़ाएंगे। या अगर आप सामान्य रूप और मंद बालकों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वहां किसको पढ़ाएंगे प्रतिभाशाली को पढ़ाएंगे, जिनका विकास बाधित होगा उनको आप उपचारात्मक शिक्षण देंगे। इसी में एक आपने सुना होगा दल शिक्षण, सुना है, लेकिन इसमें शिक्षण विधियां भी आपको बताएंगी। दल शिक्षण क्या होता है, देखिए दल मतलब जैसे आपने चुनावी दल चुनाव आने वाला सब जान रहे हैं, दल बहुत फेमस है सब राजनीति से जान रहे, दल मतलब समूह, इसको समूह शिक्षण भी कह सकते हैं है ना, लेकिन यहाँ हम टर्म कौन सा यूज करते हैं दल शिक्षण। दल शिक्षण का तब हम प्रयोग करेंगे जब एक साथ एक टीम होगी,
टीचरों की, जैसे मान लीजिए साइंस ही पढ़ाना है, अलग अलग विषयों के भी इसमें टीचर रहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, कोई फिजिक्स का बहुत एमएससी है फिजिक्स से, और कोई केमिस्ट्री से है, और कोई बायो से, और कक्षा 10 में जा रहा है वो समूह, तो जो फिजिक्स का पोर्शन होगा एग्जाम्पल देगा वो कौन पढ़ाएगा, जो फिजिक्स में मास्टर होगा। जो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा कोई बच्चे से पूछेंगे ये बताइए ये प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है ना, फिर वो केमिस्ट्री का बताएगा। जो बायो का होगा वो बायो का बताएगा। दूसरी चीज, कोई ऐसा टीचर है बहुत अच्छा बोलता है, कोई ऐसा जिसका श्यामपाठ लेखन बहुत अच्छा है, देखिए एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। कोई ऐसा है जो इंस्ट्रक्ट बहुत अच्छे से करता है, अनुशासित बहुत अच्छे से करता है। मान लीजिए तीन चार का ऐसा समूह बना दिया, एक यहाँ श्यामपाठ लेखन कर रहा है, एक उसको व्याख्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अनुशासित रखता है। मतलब कई कार्यों के लिए विभिन्न जितने विशेषताओं वाले शिक्षक होंगे, विशेषज्ञ, उनको रखा जाए बालकों की समस्याओं के समाधान के। तो ये विधि भी आपके समावेशी शिक्षा में बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। फिर आपका है अनुवर्ग, ये इसी को कहते हैं। जब आपका ट्यूटोरियल दे तो ठीक है, नहीं तो आप क्या जानेंगे, अनुवर्ग। और आपका एक होता है सिमुलेटेड अनुरूपित, इसको आप समझ लीजिए। इस शिक्षण को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कृत्रिम वातावरण बनाया जाए, जिस वातावरण में आपको पढ़ाना है, जैसे आपको पर्यावरण पढ़ाना है, हम ऐसा वातावरण अनुरूपित कर दें कि बालक को लगे कि हम उसी नदी पहाड़ को देख रहे हैं, है ना। जैसे पूरी लाइट्स ऑफ कर दी जाए आपकी, है ना। और जैसे आप अगर आनंद भवन गए होंगे तो देखा होगा एकदम अंधेरा, कई लोग सो भी जाते हैं, ऊपर देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे तारों में घूम रहे, है ना, तारे आ रहे हैं, ग्रह आ रहा है। ऐसी कक्षा व्यवस्था जिसमें बाह्य चरों को क्या कर दिया जाए, नियंत्रित, बाह्य चर को नियंत्रित करके ऐसी व्यवस्था का आप निर्माण करिए कि वो एकदम वास्तविक लगने लगे, जिसकी आपको आवश्यकता है, उसको कौन कहेंगे, सिमुलेटेड आपका शिक्षण कहा जाएगा। एकदम कन्वर्ट कर दिए ऐसा वातावरण, जैसे कृत्रिम वातावरण बनाए, एक्वेरियम आपने देखा होगा मछलियों के रहने का एग्जांपल, तो वो मछलियां ये नहीं समझती कि हम कहीं किसी के घर में सजावट के रूप में, वहां उनका क्या है, उनका छोटे छोटे पेड़ नकली, है ना, उसी में कछुआ बिल्ली उसमें हर चीज, तो वो ऐसा सोचती है हमेशा ऐसे, नहीं तो फ्रस्ट्रेट होके बैठ नहीं जाती। ऐसा एक वातावरण उसमें क्रिएट करते हैं कि उनको लगता है कि हम प्राकृतिक वातावरण में, और जबकि वो होते किसमें है, कृत्रिम, उसमें किसका हम नियंत्रण करते हैं, बाह्य चरों का नियंत्रण करते हैं। अब देखिए इसमें और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है समावेशी शिक्षा में, निर्देशन और परामर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सब में, है शिक्षण में भी, लेकिन यहाँ जब इसको खत्म कर रहे हैं तो इसको यहाँ समझ लीजिए। दो टर्म आपके हैं, निर्देशन और परामर्श, क्या दोनों सेम होते हैं, क्या होते हैं, अलग होते हैं ना, हाँ ठीक है, नाम अलग लिखा अलग होंगे, ठीक है। निर्देशन क्या होता है, हाथ उठा दिया करिए मैं खड़ा कर दूंगी, थोड़ा सा देखिए आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मेरा शिक्षण अप्रभावशाली माना जाएगा। इतना व्यवस्था मैंने बताया, उसमें बताया कि उसमें क्या हो, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट, अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो क्या कहा जाएगा, अप्रभावशाली, बताइए कौन बताएगा निर्देशन क्या है। अच्छा परामर्श बताइए, आप लोग सिर्फ बोलते नहीं और लोग समझते कि आप लोग आता नहीं, जबकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं, काफी मेरे सामने बहुत मुश्किल है कि इतना सरल क्यों पढ़ाती है, इन्हें नहीं पता कि किसके लिए पढ़ा रहे इतना सरल, जबकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसको इतने सरल तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए आपका जो निर्देशन और परामर्श होता है दोनों अलग है, गाइडेंस और काउंसलिंग, सुना होगा आपने गाइडेंस और काउंसलिंग, यहाँ काउंसलिंग कौन सा है, नाम बस आप सुनो, लेकिन अगर वो खेला है क्रिकेट और आप कभी नहीं खेले हैं तो आपको बताएगा नहीं नहीं ऐसे बैट पकड़िए बहुत अच्छा चौका मारिए, है ना, उस क्षेत्र में क्या होगा वो आपसे सुपीरियर होगा, इसमें सुपीरियर इंफीरियर होता है, ये इसकी पहली कंडीशन होती है, ठीक।
फिर दूसरी कंडीशन, इसमें सामूहिक रूप से निर्देशन भी दिया जाता है। जैसे आपने बोल दिया कि आपको बैठना है तो आपको पैर नहीं हिलाना है, कई लोग का हिल रहा है, ठीक है, आपको बैठना, मुंह में कलम नहीं डालना है, है ना, आपको इतने बजे आ जाना है, वो क्या है, सामूहिक रूप से आपका गाइडेंस है। जैसे कहते हैं गाइडलाइन आई किसी एग्जाम के लिए, तो क्या वो सामूहिक रूप से निर्देशित करते हैं, ऐसे फॉर्म फिल होगा, इसका इतने इतने टाइम एग्जाम होगा, इतने घंटे का पेपर होगा, और जो पेपर के फ्रंट में भी दिया जाता है वो भी क्या होता है आपका निर्देशन होता है, इतने प्रश्न है, इतने नंबर के हैं, निगेटिव मार्किंग है, ये है वो है। तो ये जो आपका होता है सामूहिक निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें, और ये निर्देशन का कार्य सिर्फ इतना होता है कि रास्ता आपको दिखा दे कि किधर जाना है, ठीक, और आपको उधर मोल्ड करने का प्रयास करें जो सही रास्ता है। यहाँ आपका क्या हो गया, निर्देशन। दूसरी चीज है आपकी क्या, परामर्श। अब परामर्श समझिए, जैसे पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, वो नहीं बता पा रहा है, मैम दो मिनट सुनिए, है ना, मतलब वहां जाके मुझे पूछना पड़ रहा है, क्लास के बाहर जाके पूछना पड़ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों बार बार ये साइंस में फेल हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि साइंस उसको नहीं आता, वो तो उत्तर देता है। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि ये बच्चा इतना अच्छा था और इसकी रैंक इतनी नीचे आ गई। इन समस्याओं के लिए पर्टिकुलर एक परामर्शदाता, और जिसको परामर्श देना है, दो इसमें कंटेंट होते हैं, और उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझा जाता है, और इसकी कंडीशन होती है इसको ओपन नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ ऐसी समस्याएं भी इसमें होती हैं जो सबसे शेयर नहीं की जा सकती, जरूरी नहीं है सारी, लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं आपकी हो सकती है। तो ये जो टर्म दोनों होते हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, और समावेशी शिक्षा में तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, एग्जाम्पल ऐसे मैंने चीजें देखी हैं, फेस की आपको बता रही हूँ, बच्चों को जिनको कम सुनाई दे रहा है वो क्या करेंगे कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे कि हाँ सही लाए, क्यों, दूसरे बच्चे जान जाएंगे तो उनकी क्या होगी, बेइज्जती होगा कि नहीं। पर्टिकुलर अगर उस बच्चे को आप बार बार पूछे और नहीं बता पा रहे, अभी तो बताए, क्यों नहीं बता पा रहे, बताए तो तुम क्यों नहीं बता पा रहे, सब बताए तुम ही बताओ, टीचर इतना ट्रेन होना चाहिए, साइकोलॉजिकल इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि वो बच्चों के हाव भाव को देख के उनकी समस्या समझ सके, ठीक। तो वो क्या करेगा, उससे अगले से पूछे क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे, तब क्या करेगा, वो बताएगा कि मैडम जो है हमको कम सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों हमको नहीं सुनाई देता, आप धीरे बोलते हैं क्या, ऐसा भी उसको लगेगा ना कि हम धीरे बोलते, क्योंकि उसको थोड़े पता कि उसको कान से प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप परामर्श करके उसका निदान भी करेंगे, और आप अपनी साउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे, उसको आगे बैठा देंगे या बीच में, बहुत पीछे बैठ रहा, ऐसे प्रक्रम करेंगे कि उसका भी विकास सही रूप से हो सके। तो ये आपकी कुछ प्रवृत्तियां हैं आधुनिक, जो समावेशी शिक्षा में आपकी इम्पोर्टेंट है। एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है बहुसंवेदी, मल्टी सेंसरी टीचिंग, ठीक है। अब इसको समझिए क्या है बहुसंवेदी, आप जानते हैं संवेदनाएं, मैंने बताया था लास्ट सभी नहीं आए होंगे, संवेदनाएं क्या होती हैं, इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई संवेदनाएं जो आपकी होती हैं वो किससे ग्रहण होती है, इंद्रियों। अब इंद्रियों में कौन सी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, को बता पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है, आंख है, नाक है, जीभ है, कान है, त्वचा है ना। अब इन बहुत लोगों को लगता होगा त्वचा कैसे ज्ञानेंद्रियां, सब जानते हैं कि छू के जो चीज हम देख के नहीं कह सकते गर्म है कि नहीं, कि छू के हम बता सकते गर्म है ठंडा है, फिर कई चीजें हम देख रहे हैं हमको नहीं पता चल रहा है, सुन के हम आवाज से बता सकते हैं कि हाँ ये चीज हो रही है, कई चीजें हम सुन के नहीं बता सकते, देख रहे हैं वो चीज हो रही है तो देख के बता सकते हैं। स्वाद किसी की चीज का, आप सब्जी में चीनी डाल दीजिए तो कोई नहीं बता पाएगा कि सब्जी मीठी है जब तक आप जीभ पे नहीं रखते। अब जीभ की भी साइंस में अगर पढ़ेंगे हम वगैरह तो आपको पता होगा कि जीभ का पोर्शन होता है, कहाँ आपको खट्टा लगना है, कहाँ मीठा लगना है, कहाँ तीखा लगना है। तो ये सब चीजें जो होती है हमारी क्या होती है, इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई होती है, उन्हें कहते हैं संवेदनाएं। अब देखिए बहुसंवेदी, जिसमें एक साथ दो या दो से अधिक इंद्रियां इन्वॉल्व, उसे कौन सा मेथड कहेंगे, बहुसंवेदी। ये भी समावेशी शिक्षा में भी और वैसे भी बहुत अच्छा मेथड होता है। जैसे अगर आप कहें ऑडियो विजुअल, आपका प्रोजेक्टर ऐसा है जिसमें साउंड भी आ गई,
इसमें आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, उससे अच्छा 3D मूवीज देखिए जरा। आप महसूस भी करते हैं उस चीज को, सांप आ रहा है एकदम आपके नाक में चला जा रहा है, बहुत लोग बहुत तेज से चलाते, 3D मूवी देखिए ठीक। तो ऐसी चीजें जिसमें दो या दो से अधिक इंद्रियां आपकी इन्वॉल्व, वो मेथड जब यूज किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? बहुसंवेदी मेथड। ठीक, इसके अलावा ये टर्म याद रखिए, जो सामूहिक आपकी प्रवृत्ति है शिक्षण की, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सामूहिक प्रवृत्ति में जैसे भ्रमण पे जाता है, टूर पे जाता है, तो कोई अकेला जाता है? समूह में जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपस में काफी, जैसे हम लोग जिसको नहीं जानते होते, एक बच्चों की ये प्रवृत्ति होती है, आप जानते रहिए कि यहाँ बैठेंगे तो तीन लोग साथ बैठेंगे, तो पूरी साल भर वो तीन लोग साथ ही बैठेंगे, कक्षा में ऐसा होता है ना। पीछे वाला एकदम क्या होता है, इससे एकदम कट, मान लीजिए इनसे पीछे ये है, एक आप पीछे मुड़े और देख लिया, देखिए ये समावेश में पढ़िए, ऐसे भी पढ़िए आप, समझिए जो सामूहिकता आपकी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वो क्या है कि वो वहीं बैठेंगे, वो नहीं आएगा तो सीट खाली रहेगी, बैग रखा रहेगा, लेकिन कोई और नहीं बैठेगा। लेकिन ऐसे आपकी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जिसमें सामूहिकता का निर्माण किया जाता है, जैसे भ्रमण हुआ है ना। तो भ्रमण में क्या होता है, सब साथ जाते हैं, साथ खाते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, साथ में रहना, साथ में खाना, किसी को भी कोई भी रूम में रख लेना जैसे आपस में, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें क्या होता है, सामूहिकता की भावना आपकी डेवलप होती है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जब तक इन बच्चों को जो शारीरिक रूप से विशिष्ट है या मानसिक रूप से विशिष्ट है, आप उनको सामूहिक रूप से नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो उनको समावेशी कक्षा में रखना व्यर्थ है, क्योंकि यही तो था वो विशिष्ट उसमें थे विद्यालय में है ना, और वहां क्या वो वैसे लोग साथ रहते, तो उन्होंने सोचते थे हमारा पूरा समाज ऐसा नहीं है, सब में कोई ना कोई विशिष्टता है, जैसे आपका डिस्ट बाधित जो कॉलेज हो गए उसमें सारे डिस्ट बाधित, तो वो सबके हाँ तुम कहेंगे हाँ चलो चलो उनसे पूछो, डंडी ले लो, छड़ी ले लो, तो ये सब चीजें उन्होंने जो सुनी होती है उसको क्या करते हैं, मेंटली वो प्रिपेयर करते हैं। जब वो समाज में आते हैं तो उनको समायोजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, तब क्या करते हैं जब वो नहीं देख पाते, जब उन्हें किसी का हाथ पकड़ के क्रॉस करना पड़ता है ना, जब वो रोड पे चलते हैं या कोई कहता है अरे, उनको ऐसा लगता है ना हमेशा कि हम हीन हैं, लोग हम पे दया करके कर रहे हैं, ऐसी भी आपकी कंडीशन शादी है, तो वहां पे ये अगर नहीं रहेगा आपके समावेशी कक्षा में, तो विशिष्ट कक्षा बना दे रहे, कोई मतलब नहीं आपके समय। तो आप ऐसी विधियां इसमें यूज करेंगे, भ्रमण भी हुआ, सामूहिक रूप से जो आपके जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन विधियों को बहुत अच्छा माना जाता है समावेशी कक्षा में, और आपके अन्य भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आप जानिए कि आप विशिष्टता की पहचान करिए और जिस बालक को जिस चीज की जरूरत हो आप उसको उस प्रकार से शिक्षण देंगे। एक विशिष्ट आपका बहुत पूछा जाता है, जैसे जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए एक लिपि होती है, कौन सी? ब्रेल लिपि, सुना है? कौन से कैटेगरी के बालकों के लिए ये उपकरण यूज किया जाता है? ज्यादातर पूर्णतः दृष्टि बाधित है ना। अब देखिए इसकी लिपि क्या होती है, जैसे हमारे हिंदी की जो लिपि है राष्ट्रीय, कौन सी है? और ये भी क्या है? लिपि। लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का, अक्षरों का तरीका क्या कहा जाता है? लिपि। अब देखिए इसमें कैसे होता है, आप जानते हैं जिस जो देख नहीं पाता उसकी कोई एक इंद्रिय ऐसी होती है जो बहुत एक्टिव होती है, चाहे जैसे सबसे ज्यादा उनका माना जाता है स्पर्श करके। कई लोग ऐसे हैं कि जन्म से वो अंधे होते हैं और क्या होता है वो छू के बता देते हैं कि कलर कौन सा है, सुना होगा आपने, इतनी ज्यादा एक्टिव भी हो सकती हो। तो अभी विषय है अध्ययन का कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं, लेकिन माना जाता है। अब देखिए उसमें पहले 6 आपके बिंदु थे, ऐसे पूरी बुक्स ऐसे बिंदुओं से भरी रहती है ना, इस बिंदु को थोड़ा सा उभार दिया, समझ रहे हैं? यहाँ पता है उसको कि 6 बिंदु के सारे लेटर, और इसको बोला क्या ए, क्योंकि इंडिया में तो डेवलप हुआ नहीं था ये, सुनिए, तो जो जहां डेवलप हुआ इसको इंग्लिश में जब कन्वर्ट किया गया तो पहले जो क्या था ए, और जब इसको इंडिया में किया गया तो दिक्कत ना हो इसको कर दिया गया अ, यही चीज जो ए है वही क्या है अ,
मान लीजिए इसको कर दिया गया बी, फॉर एग्जाम्पल पूरी उंगपत्ता के 6 बिंदु है और 2 ऊपर के ऐसे कर रहे हैं और 2 ऊपर के क्या है उभरे हुए ज्यादा, तो वो जान जाएंगे क्या लिखा है बी, और वही उनके में क्या कर दिया गया, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से सारे अल्फाबेट को कन्वर्ट किया गया हिंदी में भी, ये हिंदी का भी आपको बता रही हूँ, लेकिन जानते रहिए लिपि ऐसी है जिसमें कौन सी इंद्रियां काम करती हैं, स्पर्श इंद्रियां, वो नहीं देख सकते, वो पूरी बुक्स की बुक्स रहती है, पेज पलटते हैं तो जहां जहां ऐसे देखेंगे हाँ थोड़े बड़े बड़े लिखे रहते हैं, इतना छोटा नहीं कि आप इतना छोटा पढ़ते तो इतना छोटा, तो वो क्या करेंगे और वो इतनी तेजी से पढ़ते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे आप पढ़ते हैं ना किताब वैसे वो छू छू के ऐसे पढ़ लेंगे। तो ये जो लिपि यूज की जाती है, ये एक टेक्निक यूज की जाती है दृष्टिबाधित के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है। अब श्रवण बाधित है उनके लिए क्या करेंगे, एम्पलीफायर सुना है, एम्पलीफायर क्या करता है बढ़ा देता है ना, तो जो जैसे आपको पूछा गया कि जो श्रवण बाधित है पूर्णतः या आंशिक उनके लिए कौन से उपकरण यूज करेंगे, तो आप जानते हैं एम्पलीफायर यूज करते हैं, ऐसी चीजें टेप रिकॉर्डर यूज करें, क्यों आप सुनिए टेप रिकॉर्डर आपने यूज किया, जैसे कुछ चीजें कम सुनाई दे रही, उसने क्या किया टेप रिकॉर्डर लिया है वो तुरंत टेप कर लिया, शिक्षक ने ही तुरंत टेप, जैसे आपकी वीडियो बन रहे, समझ रहे हैं, ये आपका वीडियो रिकॉर्डर है, लेकिन जैसे टेप रिकॉर्डर यूज करें वीडियो रिकॉर्डर, तो बच्चा जो बाद में कक्षा के बाद जो चीजें नहीं सुनाई दी होंगी उनको तेज करके अपने हिसाब से क्या करेगा वो सुनेगा, तो ये अच्छा विधि है कि नहीं, इनके लिए जो कम सुन सकते हैं। अब यहाँ याद रखिएगा सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ कम सुनेंगे और समान है, यहाँ देखने वाले सुनने वाले मानसिक रूप से और लिखने वाले कई प्रकार के आपके बाल बैठेंगे, सबके लिए आपको कौन सी विशिष्ट तकनीकी अपनानी है। इसलिए जो एक और आपका इसका सिद्धांत है वो कौन सा कार्यक्रम होता है इसमें विशिष्ट, अगर पूछा जाए कि समावेशी शिक्षा में जो कार्यक्रम का प्रकार है वो कौन सा होता है, सामान्य है कि विशिष्ट, ज्यादातर लोग लेंगे लिख देंगे सामान्य, कि यार के कार्यक्रम जो आपका होता है वो कौन सा होता है विशिष्ट, किस पे आधारित होता है व्यक्तिगत विभिन्नता पे, और क्या इसकी कंडीशन है सहयोग, और इसमें जो एक सिद्धांत में दिया गया है माता पिता का सहयोग, जी हाँ सहयोग सबका है माता पिता का स्पेशली है, जब तक वो उसको इंस्पायर करके विद्यालय तक नहीं भेजेगा तब तक वो कहेगा नहीं हमने हम जाएंगे हमको चढ़ा रहे हैं हम नहीं करेंगे, हम मैथ्स में जाएंगे नहीं, मैथ्स की कक्षा करेंगे नहीं, जिसको वो डिसकैलकुलिया है आपको नहीं है, है ना, डिसकैलकुलिया जिसको है वो क्या करेगा मैथ्स की कक्षा बंक करेगा, हम जाते हैं सर सबसे पूछते हैं हम लगा ही नहीं पाते, तो कौन इंस्पायर करेगा उनको घर पे ना, वो सबसे पहले बताएंगे सबसे बड़े आपके परामर्शदाता कौन होते हैं माता पिता, और किशोरावस्था में सबसे बड़े परामर्शदाता कौन होते हैं, बिल्कुल वही 3-4 ग्रुप रहेगा, वो कहेंगे तो जान दे देंगे लेकिन किसी और की नहीं सुनेंगे, बस वो कह दे कि हमको एग्जाम पर मारा है चले जाएंगे 10 लोग जो है डंडा लेकर उसके घर, ये आपकी प्रवृत्तियां देखिए बाल विकास में हमने पढ़ी होगी कौन सी अवस्था में कौन सी प्रवृत्तियां, जैसे समूह कब से स्टार्ट होता है आपका बाल्यावस्था से, ठीक है, और ये चीजें जो आपकी होती है अग्रेसिवनेस ये सब कौन सी अवस्था में होती है आपकी किशोरावस्था, क्यों आगे है ये सब पढ़ना है आपको, क्योंकि उनके अंदर बहुत उथल पुथल होती है मेंटली इमोशनली फिजिकली, तो वो ना बैलेंस नहीं कर पाते, और उसमें क्या होता है कि उनके सामने जो आता है वो बस क्रिटिकल एनालिसिस जो उनको सही लगा वही करते हैं, तो ये सब आपकी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो समावेशी कक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है।